गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से पार्ट टू वर्णमाला पढ़ाऊंगा। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। दिए गए चित्रों में आप देख रहे हैं बच्चा आम के बारे में अपना विचार प्रकट करने के लिए मुंह से कुछ सार्थक ध्वनियां निकल रहा है। वाह, कितना मीठा आम है। इसी सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। भाषा की तीन इकाइयां होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। आज मैं आपको वर्ण की परिभाषा के बारे में बताऊंगा। वर्ण को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आम की ध्वनि है आ जोड़ म हलंत जोड़ अ, लड़का की ध्वनि है ल हलंत जोड़ अ जोड़ अड़ हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ आ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आम और लड़का शब्द जिन छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यही छोटी से छोटी ध्वनियां वर्ण कहलाती है। नंबर टू, शब्द जिन्हें हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे आम, मोहन, किताब आदि। वाक्य नंबर थ्री में आप देख सकते हैं, वाक्य अंग्रेजी है सेंटेंस। शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे राम आम खा रहा है। ठीक है बच्चों, अब किताब के ठीक नीचे आप देख सकते हैं वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, नंबर वन स्वर, नंबर टू व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षव दीर्घव री, ए ऐ ओ औ, अ से औ तक 11 स्वर हैं। अब नंबर टू में आते हैं, व्यंजन कंसोनेंट। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। क वर्ग, क वर्ग में आप देख सकते हैं क ख ग घ अंग। च वर्ग, च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ न। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म अंतस्थ य र ल व उष्म स ष ष ह। ठीक है बच्चों, अड़ और अढ़ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता। अनुस्वर, अनुस्वर जैसे र अनुस्वर का रंक, ब अनुस्वर द र बंदर। ठीक है बच्चों, विसर्ग जैसे द में हर्षौ विसर्ग ख दुख, न में हर्षई विसर्ग, स में अनुस्वर, क में ओ च निसंकोच। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है क हलंत जोड़ स बराबर अक्षर, त हलंत जोड़ र बराबर त्र, ज हलंत जोड़ इ बराबर किय, स हलंत जोड़ र बराबर स्र। मात्रा, स्वर का जो रूप व्यंजन में मिलता है उसे हिंदी भाषा में मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राओं के संकेत इस प्रकार है, स्वर अ आ हर्षय दीर्घय हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ। ठीक है बच्चों, मात्राएं, यह है मात्रा। अब मात्राएं बढ़िया से देखें, ध्यान से देखें और अपनी मनस पटल में रखें। मात्राओं का प्रयोग
क का की कू कु क्री के कई को कौ। ठीक है बच्चों, विशेष कुछ हम बताना चाहते हैं, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, वह स्वयं में पूर्ण स्वर है। नंबर टू अनुस्वर, जिन्हें हम अंग्रेजी में नसल साउंड का भी कहते हैं। नंबर थ्री विसर्ग, अंग्रेजी में कलोन कहते हैं। नंबर फोर अनुनासिक चिन्ह, सेमी नसल साउंड। अंग और अ वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अब आप अभ्यास में देखेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगा और साथ साथ उत्तर भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? नंबर वन में देख सकते हैं आप लोग, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। ठीक है, नंबर टू वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर वन स्वर, नंबर टू अयोगवा, नंबर थ्री व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण है य र ल व। नंबर फोर, नंबर फोर में आप देख सकते हैं अक्ष और ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को उत्तर। क हलंत जोड़ स बराबर अक्ष, और ज हलंत जोड़ ज्ञ बराबर ज्ञ। ठीक है, क्लियर। नंबर टू खाली जगह भरिए। नंबर वन में देखिए भाषा की डैश इकाइयां होती है, तो भाषा की डैश इकाइयां यहां पर खाली जगह में क्या होना है? तीन, भाषा की तीन इकाइयां होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। नंबर फोर अंग और अह अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। और नंबर थ्री में आप देख सकते हैं, दिए गए स्वरों को उनकी मात्राओं के साथ मिलाइए। आ, आ की मात्रा ये है। दीर्घई, दीर्घई की मात्रा ये। हर्षव, हर्षव दीर्घऊ, सॉरी दीर्घऊ, दीर्घऊ की मात्रा ये है। री, री की मात्रा ये है। ऐ